पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं, पॉपुलर एक्टर हैं। अभी तक इन्होंने जितना भी काम किया है, दर्शकों ने खूब इन्हें प्यार दिया है, बहुत इनके काम को पसंद किया है, और अब ये चाशनी घोलने आ रहे हैं हम सबकी जिंदगी में, स्टार प्लस के सून टू रिलीज सीरियल चाशनी से। और मैं बात कर रही हूँ साई केतन राव की। साई, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वॉर्म 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 एंड लवली वेलकम. थैंक यू सो मच. बट इज वेल डिजर्व, क्योंकि जितना आपके बारे में पढ़ो, आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा दिखती है, आपका काम लोग पसंद करते हैं, सो दैट्स वेल हाँ, डिजर्व। थैंक यू सो मच. दैट्स आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी. इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग. ओके, सो क्या लगता है, जो काम, जैसे मैंने कहा, अभी तक आपने बहुत अच्छा किया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, ये सीरियल वापस से आपका जो रोल है इस सीरियल में, ये चाशनी घोल पाएगा लोगों के दिलों में? हाँ जरूर, लोगों को बहुत पसंद आने वाला मेरा रोल, क्योंकि जो रोल अभी मैं कर रहा हूँ, रौनक रेड्डी रोल का नाम है, और जो मैंने रोल किया पहले मेहंदी रचने वाले में, दैट इज राघव राव. एंड दोनों रोल्स काफी बहुत अलग है, बहुत ही अलग है. बोलने का स्टाइल, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ अलग है. लेकिन हाँ, यू लव बोथ द कैरेक्टर्स, आई नो दैट. ओके ओके, सो रौनक के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है, किस तरह का मिजाज है, ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे उसके कैरेक्टर से? रौनक रेड्डी इज अ गाय. ये बंदा जो है आधा दिल्ली का और आधा हैदराबाद का है, एंड ही कम्स फ्रॉम वेरी मिक्स्ड फैमिली. एंड उसकी भी फैमिली में काफी सारा, बहुत सारा पेन एंड एवरीथिंग है. वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ही हैज कम टू पंजाब टू कंप्लीट एन ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ आके मतलब ही हैज टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ दैट ही इज वेरी गूफी, बहुत स्माइली. लोगों को उसे मतलब वो लोगों को हंसाना चाहता है, लोगों के साथ घुल मिलना चाहता है. कैजुअल बंदा है, वेरी गो टू लवली पर्सन एंड समथिंग लाइक नेक्स्ट डोर गाय, समथिंग हाँ, लाइक दैट. लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान सो ही लुक्स वेरी लवली, ही लुक्स वेरी कैजुअल एंड गो टू पर्सन, लेकिन उसके दिमाग में बहुत अलग ही प्लान है. एंड उसके प्लान धीरे धीरे बाहर आते हैं. ओके, सो आई थिंक आप कहानी का वो ट्विस्ट हैं जो इसमें थोड़े से तड़के वाले एलिमेंट्स डालने वाले यस हैं। ओके, बट कितना रिलेट किया साई आपने रौनक के कैरेक्टर से? मैंने एक्चुअली रिलेट नहीं किया, बट मैं एक्चुअली खुद ब खुद बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो रोल है ना काफी कॉम्प्लेक्स है. ओके बिकॉज जैसे मुझे बताया गया था, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट सिंपल कैरेक्टर. जो डायलॉग रहेगा वैसे तुम्हें, ऑफकोर्स तुम्हें वैसे बोलना ही है, लेकिन तुम्हें दूसरी सोच की तरफ से बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन तुम सामने हंसोगे, सामने वालों को तुम हंसाओगे. सो यू आर हैविंग अ स्माइलिंग फेस, बट इनसाइड यू आर हैविंग अ थाउजेंड थॉट्स. तो काफी सारा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. सो इवन आई एम फिगरिंग आउट, आई एम स्टिल मेकिंग द सीन, कैसे करना चाहिए, कैसा क्या है. मैं डायरेक्टर से बात करते रहता हूँ. सो हाँ, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स रोल, बट कोई जैसा खास है वैसा तरह की दिखेगा. प्रेप है जो आपने अपने आप को इस रोल में ढालने के लिए की है? मैंने खास तरह की प्रेप तो नहीं की, लेकिन जैसे मेरे पास सीन आता है तो मैं काफी सारी प्रिपरेशन करता हूँ. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ऑफ कोर्स गोइंग थ्रू दैट कैरेक्टर, गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड गोइंग थ्रू दैट कॉम्प्लेक्स थॉट्स, जो भी उसके लाइफ में जो भी हुआ था, और ओवरकम करके वो यहाँ आया है. क्यों आया है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ डायलॉग क्यों बोल रहा हूँ, वो मुझे काफी सारा सोचना पड़ता है. ओके, और ऐसा कुछ भी हुआ था कि क्या कोई सीक्वेंस करते वक्त कोई आपको चोट वगैरह लगी थी, और समथिंग हैपेंड व्हाइल डूइंग? हाँ, भी रिसेंटली मतलब शायद 10-15 दिन ही हो गए. फाइट सीन था, वहां मैं 3-4 बार गिरा हूँ नीचे जमीन पर सीधा. मतलब इट वॉज वेरी स्लिपरिंग जमीन है, पूरा मार्बल है नीचे, तो काफी मतलब 3-4 बार गिरा हूँ. मुझे सर पर चोट भी लगी थी, खून वून भी थोड़ा आया था हाथ पर, बट हाँ, इट्स ऑल ओके. आई लव एक्शन सीक्वेंसेस, एंड ऑफकोर्स आई थिंक दैट दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी. नो, बट चोट लगी और उसके बाद शूट कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं. बोला हाँ सर, कर लेते चलो. कोई नहीं, 5 मिनट बस ब्रेक लेंगे, कर लेते चलो. माय गॉड, सो ये तो एक बिहाइंड द सीन हो गया जो डेफिनेटली ऑब्वियसली हमें जब वो शॉट भी होगा तब भी नहीं दिखेगा, हमें लगेगा अच्छा कोई नॉर्मल एक्शन सीक्वेंस ही हो रहा है, नाउ दैट यू टोल्ड अस तो शायद ध्यान भी जाए। बट इसके अलावा कुछ और ऐसा बिहाइंड द सीन हुआ जो आपको ध्यान आ रहा हो, जो आप शेयर कर सकें? ऐसा कुछ स्पेशली बिहाइंड द सीन तो अब तक आया नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने शूटिंग स्टार्ट की. इट्स हार्डली लाइक 1 मंथ, 1.5 मंथ समथिंग. तो ऐसा कुछ
इतना कुछ खास तो हुआ नहीं है, समथिंग वेरी मच नोटेबल, बट आई डोंट नो, शायद हो सक भी सकता। राइट सो जैसे शूटिंग होते रहेगी मैं आपको बताते रहूंगा। करेक्ट करेक्ट, वील वेट फॉर दैट. बच्चा व्हाट डू यू थिंक, देयर इज सो मच ऑन द प्लैटर टुडे फॉर एन ऑडियंस. यू नो उसके पास ओटीटी है, उसके पास टीवी में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. अबाउट दिस शो, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो यूनिकनेस है, आपको क्या लगता है, ऑडियंस इसे हाथों हाथ एक्सेप्ट करेगी, और यू थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ अ फ्लेवर जो धीरे 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 चढ़ेगा? वेल टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट नो, मैं बस कुछ मतलब क्या बोलूँ समझ में ना आ रहा, क्योंकि आई डोंट नो हाउ इज द ऑडियंस गोइंग टू रिएक्ट टू दिस, हाउ इज द ऑडियंस गोइंग टू टेक इट, परसीव इट, कैसे होने वाला ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये तो शायद मार्च के सेकेंड वीक में मुझे पता चलेगा, मार्च 9 को जो रिलीज हो रहा है at 11 o'clock, तभी मुझे पता चलेगा, इन द फर्स्ट 1 वीक और द फर्स्ट 10 डेज मुझे पता चलेगा। क्योंकि मतलब इवन आई थिंक दैट दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टोरी, एंड कहाँ तक जाएगी, कितनी सक्सेस होगी ये मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट राइट डूइंग एज पर द सीन, चलो करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब यार। राइट, बट हाउ डिड यू गेट एसोसिएटेड विद इट? संदीप सिकंद के साथ आई थिंक दिस इज योर सेकंड टाइम दैट यू आर वर्किंग विद हिम, सेकेंड सो सेकेंड टाइम तो आप कैसे इसके साथ जुड़े? वॉज ही द रीजन या इट जस्ट हैपेंड बाय सम अदर? ऑफकोर्स ही वॉज द रीजन ही कॉल्ड मी अप, ही टोल्ड लास्ट ईयर ऑगस्ट में ही कॉल्ड मी अप एंड ही टोल्ड दैट हे साई इफ यू आर फ्री देन आई एम डूइंग अनदर शो फॉर स्टार प्लस, देन आई टोल्ड ओके देन लेट्स मीट एंड लेट्स डिस्कस ऑन दिस प्रोजेक्ट। देन मैं उनके ऑफिस गया, फिर उन्होंने मुझे स्टोरी बताई एंड देन ही टोल्ड दैट वी विल बी स्टार्टिंग इट वेरी सून, लेकिन वो सून सून होकर काफी डिले भी हो गया, दिसंबर तक चलेगा, तो या आई हैड टू वेट फॉर दैट टाइम टू गेट ऑन द फ्लोर्स एंड देन या We started the shoot in December, on December 24th, something around December 24th, and yeah, now it's March, राइट so और अभी what तक का happened? एक्सपीरियंस कैसा रहा आपकी, जो को कास्ट है उनके साथ शूट करना, हाउ हैज दैट बीन? Fantastic cast, all are very well trained actors and experienced actors. सब लोगों ने काफी कुछ काम किया है, so it is actually kind of easy also to have that rapport, वो लेन देन जो रहता डायलॉग का, तो इजी हो जाता है। राइट साई, बट आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि आप एक ऐसे सीरियल का हिस्सा रहे, या आपका एक ऐसा कैरेक्टर रहा इन योर प्रीवियस शो जो लोगों ने पसंद किया, यू नो पीपल लाइक्ड इट, फिर उसके बाद ट्रांजिशन करना टू अनदर शो, टू अनदर कैरेक्टर, हाउ चैलेंजिंग इज इट और इज इट इजी? नो इट इज नॉट इजी, इट इज ऑफकोर्स वेरी चैलेंजिंग, एंड क्योंकि तुम इट्स नॉट कि अभी यूजुअली मूवीज 6 months 3 months और 4 months में कंप्लीट हो जाती है, तो यू आर इनटू दैट कैरेक्टर ओनली फॉर दैट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मैंने ये शो मेहंदी रचने वाली मैंने 1 साल के लिए किया, बिकॉज नाउ 1 साल के लिए किया मतलब आई एम इन द इनटू दैट कैरेक्टर 24/7, क्योंकि सीरियल की शूटिंग मतलब 12 घंटे होती है दिन की, सो मॉर्निंग टू इवनिंग आई एम इनटू दैट कैरेक्टर, आई एम प्लेइंग दैट रोल, गिविंग दोस इंटेंस लाइंस एंड एवरीथिंग, एंड अगेन कमिंग आउट ऑफ दैट कैरेक्टर एंड डूइंग समथिंग एल्स इज इट इज डिफरेंट, बट हाँ थोड़ा टाइम लगता है बस, इट विल टेक एटलीस्ट लाइक 1.5 मंथ टू 2 मंथ्स टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन। राइट एंड इवन फॉर ऑडियंस, जिन्होंने आपको पहले कैरेक्टर में देखा है एज समवन एल्स, नाउ टू सी यू प्लेइंग रौनक ऑल टुगेदर डिफरेंट कैरेक्टर, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा टू सी हाउ दे अडैप्ट टू दिस चेंज. एग्जैक्टली इवन इट इज इंटरेस्टिंग टू मी ऑल्सो, क्योंकि जब ये शो बाहर आएगा तब सबसे पहले मैं अपने आप को देखूंगा कि क्या मैंने सेम टू सेम की एक्टिंग तो की है कि नहीं करते, सो आई हैव टू लुक थ्रू दैट, बिकॉज आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं सेम एक्टिंग तो करूँ ना, आई डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग जस्ट अ रिपीटेटिव राइट नाउ वी थिंग। आर ऑन दैट टॉपिक, तो साई आई वॉन्ट टू आस्क यू, बकेट लिस्ट में किस तरह के प्रोजेक्ट्स और किस तरह का काम है जो डेफिनेटली आप करना चाहते हैं? यार प्रोजेक्ट्स तो ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं, आइडियाज भी बहुत सारे हैं मेरे पास, एंड ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग गुड ऑफर्स हियर इन हिंदी एंड आल्सो इन तेलुगु, तो या आई विल बी डूइंग, आई हैव टू शफल माय डेट्स एंड थिंग्स, सो लेट्स सी, मैं अभी आई डोंट वांट टू, मैं उसके बारे में खुलासा भी करना नहीं चाहता हूं बस। चलो कोई नहीं, वी विल पेशेंटली वेट कि जब आप खुलासा कर पाओ, वापस से हम एक इंटरव्यू करें और तब उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें. जाते जाते वेरी क्विकली, योर मैसेज टू द ऑडियंस फॉर चाशनी. ऑल द ऑडियंस एंड ऑल द फैंस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आप लोगों ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया है, अब मेरा शो आने वाला है, तो मुझे और मेरे शो को उतना ही प्यार देना।
ओके, आई होप दैट रियली हैपेंस. विशिंग यू ऑल द लक साई फॉर द सक्सेस ऑफ दिस शो एंड ऑल योर प्रोजेक्ट्स, एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. बाय थैंक बाय. यू. बाय बाय.